Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing Red Dead Redemption 2. So today we'll try to find the maximum number of animals. We'll only travel to jungles, maybe even get killed by cougars few times. Don't worry, I will go back. I will search for more animals. We are doing this Master Hunter thing one way or another. I will complete that Master Hunter challenge one way or another. जैसे भी हो भाई complete तो करना है. मेरे को पैंथर को मारना ही है, लेजेंडरी पैंथर. उसके लिए मेरा 10 घंटा जाए 20 घंटा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे यार अपन लोग कम्बरलैंड फॉरेस्ट में थे ना. Chances, huh? Got another recipe here. Been thinking about it a lot. This is the one they'll remember us for. I knew we'd get there in the end. Yes, sir. A few more herbs would really balance the flavors. You bring us some, we'll make it worth your while. Okay? Sure, why not? Pretty sure there are some berries local to these parts. A bit of fruit might add something special to our shine. Oh yeah? I have some with me. Go on, lazy bones. Toss the plants into the bench so we can test it out. Place them in the hatch on the side of the still. Raspberry, evergreen, huckleberry. Okay. Okay. Guess this is what we've been waiting for. To something after all. Sounds like we got ourselves a new recipe. I'd say we let it sit and then make up a new batch later. Thanks, mister. We got some money in that chest there. Grab some for yourself. Appreciate it.
I'll see you two around, I'm sure. Goodbye. That was an easy $50. Okay, on to our American Grey Fox. तो हम लोग ढूंढ ही चुके हैं पहले ग्रे फॉक्स से मिल चुका है हम लोग हाँ टर्की ही दिख रहा है भाई और जगह टर्की टर्की हाँ क्या है अच्छा टर्की की है टर्की इधर बक एक्टिल डियर भी बहुत मिल चुका है अब हमको अलग स्पीसीज का कुछ चाहिए शायद पहाड़ी के ऊपर कुछ गिर जाए अबे साला ये रेन से बाहर कैसे चला गया भाई मैं कितना बाहर था वो मैं कितना दूर आ गया वहां से अरे आ जा दौड़ दौड़ के पसीना निकल गया मैं ये कोई अलग ही बर्ड था लेकिन इसको अभी स्टडी नहीं करूँगा इसको स्टडी अभी कर लिया बाद में हम लोगों को बता चुका हूँ रिपरकशंस कैसे हो सकते हैं रैबिट हंट तो हो गया भाई हम लोग और नहीं करना पड़ेगा छोटा एनिमल को हंट करना बहुत मुश्किल होता है और वो भी मतलब परफेक्ट हेल्थ पता नहीं आप लोग कंट्रोलर में कैसे खेल लेते हो बहुत खेलने में बहुत हार्ड होता है और अभी ओ रुक को भाई रुक तू अबे दूसरा काला वाला कौन है ये भी केंटकी सेटलर ये भी केंटकी सेटलर ब्लैक चेस्टनट पिंटो साला मेरे को सैडलर ही दिखता है
बर्फ में जाऊंगा तो शायद कुछ और एनिमल देख जाएंगे, क्या बोलते हो आप लोग? बर्फ में चले क्या? ये भी एक बर्फ था। रैबिट्स लग रहा है। ये भी रैबिट ही है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई एनिमल मिलने वाला है, मतलब जो मैंने पहले कभी नहीं देखा हुआ है सभी एनिमल। ओके, यहाँ पे वही बक, रेनडियर, सॉरी व्हाइट टेल डियर, माउंटेन एल्क, बक, फास्ट ट्रेवल पॉइंट नहीं है, मुझे बहुत गंदा लगता है। हम लोग है बहुत दूर भाई, हम लोग इधर है, मैं जाना चाहता हूँ इधर, तो एटलीस्ट वैलेंटाइन तक पहुंच जाता हूँ। वैलेंटाइन के नज़दीक ही हूँ, राइट से जाना पड़ेगा, लेकिन राइट से कोई रोड है क्या? व्यू देख रहा हूँ यहाँ से। ओ भाई, ये कोई सॉन्ग बर्ड है, इसलिए तो मैं बोलता हूँ भाई ये गेम क्या नजारा है भाई। चलो बहुत नज़ारे का मजा ले लिया हमने। इधर से क्या रास्ता नहीं है क्या? लेफ्ट से ही चलता फिर। कभी लेक के साइड में कभी कुछ है, मतलब कुछ अनजान एनिमल भी दिख जाता है कभी कभी। रैबिट ही था। क्योंकि वहाँ पे मैंने सिर्फ एक बाइसन हंट किया है,
डियर को देखा था, डियर को हम क्या था और फिश शायद था, उधर फिश भी नहीं था, तो एनिमल वहाँ पे बहुत कम ही मिला मेरे को, घोड़ा मिला एनिमल को उस कैटेगरी में। क्या देखते हैं फिर से एरोप्लेन दिखते हैं कि नहीं। मेरे को बस स्नेक मिला यहाँ पे तीन तरह का, स्नेक भी नहीं आता है उस एनिमल कैटेगरी में, शायद इसको रेप्टाइल कैटेगरी में डाल दिया। कोई नहीं, क्योंकि हम लोगों कल शायद दो प्रजाति का स्नेक अटैक किया था, तो हम लोग उसको मैंने स्टडी किया था उसमें। अरे कपड़ा चेंज कर लेता ना, यहाँ पर रुक जाता, रुक जा तो। विंटर डांसिंग लगा एक सेकेंड, ये कौन सी टोपी है भाई? अच्छा तो वाला वो वाला टोपी गया, तो ये क्यों पहनूंगा, ये पहन लेता हूँ, देखने में भी जंगली जंगली लग रहा है। बैरो लगाऊंगा के साइड से जाऊंगा तब लगेगा, मतलब अभी बर्फ स्टार्ट हो गया जैसे ही, बैरो लगन तो पहुँचने की जरूरत ही नहीं है। फॉक्स था क्या? मेरे को तो एक जैक टेल जैक रैबिट दिखा, ब्लैक टेल जैक रैबिट, जैक टेल बोल रहा हूँ मैं। ये रोड जाने में जितना मज़ा लगता है आने में भी उतना ही मज़ा लगता है, लेकिन इस बार अपन एक्सप्लोर करने आए हैं, बर्फ में बहुत देर तक रहेंगे। अरेबियन तो आपको आसानी से मिल जाता है, एक परफेक्ट स्पॉट है, स्पॉट पे जाओ आराम से आपको अरेबियन दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई अभी यहाँ पे आरो रखो, एरो का कोई काम नहीं है, डबल बैरल शॉट गन और सेमी ऑटोमेटिक शॉट गन है, दोनों रखता हूँ। लगाना ही भूलिए, अरे यहाँ पे दो तीन जानवर जा रहे थे इधर, मैं बियर अटैक के लिए मैं ये लेके घूम रहा हूँ, दो दो शॉट गन लेके घूम रहा हूँ, क्योंकि हाथों में है बायनोकुलर, इसको यहाँ भी ब्लैक टेल जैक रैबिट। शीप है
ठंडा देख रहे हो कैसे है, मतलब मैं लिटरली बाहर सुबह 8 बजे ऐसे था वेदर यहाँ पे सिलीगुड़ी में, सुबह 8 बजे एकदम धुंधला धुंधला दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। मेरे को लगा कुछ अलग मिलेगा साला, वही चीज़ घुमा फिरा के दिख रहा है, मिल रहा है, वही एनिमल दिख रहा है, वही ब्लैक टेल्ड जैक रैबिट, वही माउंटेन एल्क, माउंटेन बुल एल्क। ओह ये नया मिला टिम्बर वुल्फ, परफेक्ट। एक चीज चेक करता हूँ मैं कंपेंडियम में चैलेंजेस में, जीरो ऑफ 10। टेन डिफरेंट एनिमल स्पीशीज, हाँ तो ये एनिमल नहीं ना है, ये एनिमल में नहीं था। यूज द बो द पॉइजन एरो फॉर द क्लीन किल, इसको मारने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अगर मेरे को अटैक करेगा तो मेरे को मारना पड़ेगा। घोड़ा पे चल रहा था, हाँ मेरे को लगा ही था कि सदा असल में घोड़ा में बैठ के ना एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, ये बहुत मुश्किल होता है। साला आधा कुछ दिखता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक स्पीसीज ढूंढा, पता नहीं वो चैलेंज में कोई काम नहीं हुआ। वही सेम रैबिट, अरेबियन भी मिल गया था तो भी कुछ काम होता मेरा, लेकिन ये अरेबियन का स्पॉट नहीं है, अरेबियन का अलग स्पॉट है, स्पॉट पे ही वो मिलता है हमेशा। अब जितना बार अरेबियन खो दोगे उतना बार आपको अरेबियन मिलेगा, लेकिन वही एक सेम स्पॉट पे मिलेगा, अलग जगह पे जाओगे तो नहीं मिलेगा। जेन ड्रायर में कुछ है, ऊपर नाम नहीं रहा, केंटकी बोर्बन, ग्रेव न्यूज़पेपर क्लिपिंग, लेकिन ये लेने का जगह नहीं है, ले क्यों नहीं रहा है।
काम करते हैं। मैप्स में ड्राइंग्स में इसको किसी भी चीज को हटाए कैसे, कुछ तो ओपन होगा। नहीं भाई, यहाँ पे एक क्लिपिंग है जो मुझे लेने नहीं दे रहा है, क्या चीज का क्लिपिंग है। एक सेकेंड, अगर तुम लेने नहीं दोगे तो मेरे को जुबान लगाना पड़ेगा। एक सेकेंड, आगे आ जाता हूँ। ड्रेडफुल इंसिडेंट, एंडेड आइस स्केटर कैरियर कट शॉर्ट इन टेरिबल एक्सीडेंट। आइस स्केटर्स कैरियर कट शॉर्ट। अच्छा, तो यहाँ पे वो जिसका भाई खो गया था वो आइस के बच्चा है, उसको तो बीएम ने अटैक किया था, क्या ही कर सकता है बेचारा। यहाँ पे उसी का ग्रेव बना हुआ था। कुछ लिखा नहीं इसने, कौन ग्रेव छोड़ देता है यार। इसको बंद करने का कोई उपाय नहीं दिया है यहाँ पे गेम में, तो अपन देखते हैं अभी वो अरेबियन मिलता है नहीं किस तरह से। यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेजर रन करने आए थे ना, इसके हम इस लॉक के ऊपर था, बर्फ के ऊपर से दौड़ रहा हूँ। ओ ये स्लाइड कैसे करते हैं। तो ये फेस गेम होता है तो दिखा देता हूँ, सोच करके काम करता हूँ। कितना टाइम हो रहा है, रात हो रहा है, इसीलिए सब अंधेरा हो गया था इनके। सुबह तक इंतज़ार करता हूँ, साला दिन में कुछ नहीं दिखता है, रात में क्या दिखेगा। घंटा
ये तो पूरा रास्ता गया ही नहीं, ये तो बर्फ का सिर्फ शुरुआत था। असली बर्फ वाला जगह में तो गया ही नहीं मैं। ये मैंने एक गलती कर दिया वहाँ पे, मैंने नहीं सोच के अगर वो निकल जाता तो शायद अच्छा रहता। चलो अभी दिन भी है, सुबह के 7 बज रहे हैं यहाँ पे। -13°C बहन की। ओ भाई ऊपर का रास्ता जाना था क्या? जो जगह मैंने मार्क किया उधर इस उधर से ही जा सकता है। जब पहले पहले घोड़ा लेके आया था तो यहाँ पे कॉशन दिखा रहा था कि भाई अगर तुम स्लिप किए तो नीचे जाओगे, एक तो नीचे जाओगे और तुम जान भी गवाओगे। लेकिन अभी वो आदत हो गया बर्फ का रास्ते से चलाते चलाते। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत बार आया हूँ, कभी बाउंटी हंटिंग के लिए आया हूँ, कभी रॉक क्लाइंबिंग के लिए आया हूँ, कभी लेजेंडरी एनिमल मारने के लिए आया हूँ, कभी अरबियन हॉर्स लेने के लिए आया हूँ। यहाँ मैं आता रहता हूँ। पता नहीं भाई एनिमल का लिस्ट में कौन सा एनिमल आता है, अभी वाइल्ड एनिमल ये एनिमल कौन सा एनिमल है। ये सब शीप है, नहीं तो बिघॉन रैम है, कुछ अलग स्पीसीज को चाहिए। इसका रैबिट भी नहीं दिख रहा है, वही ब्लैक टेल कैट रैबिट, उसी का ध्यान बचा हुआ है। तो मेरे को लगा कुछ है। अबे कोई स्नेक था क्या? क्या एक रैटल स्नेक का आया था, चला भी गया वो। अच्छा भाई वो मेरा यहाँ पे स्नेक झुला हुआ ना उसका आया था। रिमूव डायमंड बैक ना, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, खुद ही ब्यूटी खा जाता हूँ। यहाँ पे उसका डियर का, बिघन रैम का, बाइसन का, ये सब एनिमल्स का नया नया स्पीसीज देखने को मिलेगा। हो रहा है अमेरिकन रेड फॉक्स, कलर ही वैसा होगा रेड फॉक्स का जो हम लोग पहले देखे थे, वो रेड फॉक्स नहीं था लेकिन उसका नाम रेड फॉक्स था। हम लोग बहुत दूर है यहाँ से, यहाँ जाने में बहुत टाइम लगेगा।
क्या हुआ रे, तू इतना परेशान क्यों? डियर हो सकता है यहाँ पर हम लोगों ने किन किन लोगों को दफनाया था, नाम तो लिखा हुआ ना, नाम भी नहीं लिखा है। यहाँ पे कोई नाम हम कुछ नहीं है। मेरा घोड़ा ऐसे क्या देख रहा है जो मेरे को नहीं दिख रहा? आप लोगों को क्या लगता है मैं जो ये कर रहा हूँ, जो खेल रहा हूँ इसे कर रहा हूँ कि मतलब कि मतलब एक ही दिन में अगर कंप्लीट कर देता है गेम तो वो अच्छा रहता है। एक दो लोग देखते होंगे बस। इससे ज़्यादा जूम ही नहीं हो रहा, वक्त तो रहा है मतलब वक्त ही लग रहा है, छोटे वक्त लग रहा है। तो अरबियन जहाँ पे मिलेगा उससे हम लोग थोड़ा नज़दीक हैं अभी उस जगह पे। बियर है क्या? तो और थोड़ा ऊपर जाता हूँ उस साइड, फिर क्रॉस करता हूँ। दिख जाता है ना भाई, जैसे अभी हम लोग दोनों भाई से मिले जो लोग मूनशाइन बनाता है, वहाँ पे दो बेरीज ऐड किए, ऐड करने के बाद हम लोगों को टेस्ट अच्छा लगा। जैसे मैं उन लोगों से दो तीन बार पहले भी मिल चुका हूँ, कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता। इस बार अच्छा लगा, उसने मेरे को डबल पैसा दिया, मैंने डबल ले लिया, अलग बात है। ओ भाई प्लीज़ बोलिए अलग। हाँ ग्रेविल देख रहे हो, कैसे देख रहे हैं भाई? अटैक नहीं करना, दूर से देखो। ओ मेरा ये सींग देख के लोग भाग रहे थे। मेरा सिंह देख के भाग गया,
भी ऐसे इंटीमिडेट हो जाते हैं जो मैंने पहना है टोपी से इतना डर, टोपी देख के इतना डर लगता है ये लोग बिग हॉर्न रैम से फाइट कर चुके हैं और मतलब बहुत बुरी तरीके से फाइट किया होगा, तो उसको पता है कि क्या हो सकता है बिग हॉर्न रैम के साथ फाइट करने का नतीजा, इसलिए ये डर है। यहाँ पे लगा था मेरा कुछ होगा लेकिन कुछ नहीं है, जा रहा हूँ उन लोगों के इलाके में तो वो लोग अटैक करेंगे ही, लेकिन भाई मैं भी मजबूर हूँ ना, मैं भी ढूंढ रहा हूँ एनिमल्स, माफ़ कर देना भाई, वुल्व्स आई एम इंक्लूडिंग इन योर स्पेस, सो इफ यू स्टे अवे फ्रॉम मी यू विल स्टे अलाइव। चढ़ पाएगा आथर्ड, चढ़ गया भाई, ओ ऐसा दैट वाज अ नास्टी फॉल, ये जगह तो हम लोग आ चुके हैं पहले भी। जगह आ चुका है ना, मेरे को क्यों नहीं लग रहा कि मैं आ चुका हूँ, काम करता हूँ मैं, खड़ा हो जाए अच्छा रहे, तो ट्राई करता हूँ मैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यहाँ से करूँगा तो नहीं होगा, इसके ऊपर चले रहना पड़ेगा, शायद ही होगा, ये होने का चांस एकदम जीरो ही है, फिर भी ट्राई करता हूँ, मेरे पास तो है अभी। जगह मार्क किया अभी तक पहुंचा ही नहीं हो गया, देखो दो एनिमल मेरे को दिखा, नया स्पीशीज, एक दो वुल्फ का ही दो स्पीशीज दिखा मेरे को, लेकिन जो मैं जब मैंने प्रोग्रेस में चेक किया तो वो काउंट ही नहीं हुआ, और एक बार देखता हूँ यार, होना चाहिए यार चैलेंजेस में, देखो 0 of 10 दिखा रहा है, ये तो भाई बहुत नाइंसाफी है, कंपेंडियम अपडेट हो रहा है फिर भी मेरा एनिमल का ये नहीं दिखा रहा है, यहाँ से मैं घोड़ा लेके आगे बढ़ने जाऊँगा ना तो शायद मुँह के बल गिरूँ, इसलिए मैं चल के जा रहा हूँ।
बहुत खराब आ रहा है एकदम। गुटी गुटी पानी में चलो। मुश्किल है भाई, तो इधर भी नहीं मिला, इधर आ जाता हूँ। डेड बुल क्रीक लेक इजाबेला शायद इधर दिख जाए। अबे यार रोबोटिक आवाज में लगा आई एम ओके ऐसे कुछ बोला, मतलब बोला का आवाज। इसका जवाब भी दे रहा है। ये व्हाइट टेल डियर ही दिखता है मेरे को यार। कोई एनिमल के पीछे भागा, अरे वो भी ब्लैक टेल जैक रैबिट भी हो सकता है। इतना दूर जाऊंगा फिर तो उसका कुछ नहीं होगा, फिर मेरा ही झाड़ चल देगा भाई।
like black and white, like a time. मैं थोड़ा घूम के राइट में जाना है, सीधा चलता हूँ पहले यहाँ पे, ये कौन सा जगह है देख लेता हूँ। अभी 47 मिनट्स हो ही गया है, 49 मिनट्स जैसे भी है, 5 मिनट यहाँ तो लग ही जाएगा घूमूंगा। शायद उसी पलटन का है जिस पलटन को उसको देखने आया था कोई, कि सच में ही इज अ थ्रेट और ही इज जस्ट हो, उसको पता चल गया अपन थ्रेट है कि हो है। व्हाइट टेल बक और ये माउंटेन बुल एल्क, पता नहीं ये दोनों हर जगह मुझे यही दोनों दिख जाते हैं भाई। यहाँ पर तो मैं आया था पहले भी, लेकिन ये जगह का नाम तभी भी नहीं था, नाम अभी भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम में कुछ भी नहीं होगा। यू फ्लोरिश बिफोर यू डाई। एनिमल तो कुछ दिखा नहीं खास, यही वो पुराना घिसा पिटा सब यही एनिमल सब है यहाँ पर, घिसा पिटा एनिमल, नथिंग न्यू। See, you can see the names. There is no new animal in this place at least. But I would have found it. बहुत टाइम हो गया ना हम लोग बर्फ में घूमते हैं। सिर्फ ये मतलब क्लोथिंग पहना हुआ हूँ मैं, ओनली बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस क्लोथ। Oh, that's Arabian. Unusual places में Arabian मिल जाता है। Oh भाई, और एक यहाँ पे चीज़ है, वेस्टर्न बुल माउस, बुल मूस। कंपेंडियम में अपडेट तो हो जाता है भाई, लेकिन मेरे को जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस में आपको ट्रैक करना है, ट्रैक 10 डिफरेंट एनिमल स्पीसीज। ये तो अगर अरबियन को साथ में ले लूँ क्या? Stay calm. Nice and easy.
खो गया है रबेन, खो गया है रबेन, सच में खो गया है रबेन भाई। ओ नहीं 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 वो रहा। पीछे का बटन दबा कर रखो, मतलब पीछे की ओर करके रखो ये घोड़ा। तो मेरा स्टैमिना ही चला गया। सबसे हार्डेस्ट था मेरे को लग रहा है, मतलब मेरा क्या हुआ अरबियन हंट में ये सबसे हार्डेस्ट था। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से, हम लोग जाएंगे कहीं नई जगह पे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल बी बैक विद मोर एक्साइटिंग वीडियोस, अंटिल देन स्टे ट्यून एंड हैव अ गुड डे। एंड इफ यू लाइक माय फोर्टनाइट वीडियोस व्हाट आई एम अपलोडिंग फॉर 2-3 डेज इन अ 2 डेज अ वीक टू अवॉइड डेटा, misuse, so like, share and comment if you want anything different. Bye guys, have a good day.